साथियों, राजस्थान जिस तरह पूरी मजबूती से हमेशा इस चौकीदार के साथ खड़ा रहा है, वो एक बड़ी वजह है कि मैं देश हित में बड़े और कड़े फैसले ले पाया, वो काम कर पाया जिसका इंतजार आपको, देश के लोगों को बरसों से था, वो फैसले ले पाया जो कांग्रेस की सरकारों ने दशकों से लटका कर रखे हुए थे। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की बरसों पुरानी मांग को पूरा करने का काम आपके इस चौकीदार ने किया है। जीएसटी पर बरसों से कांग्रेस माथा पच्ची कर रही थी, उसको भी इस चौकीदार ने सफलतापूर्वक अमल में लाया है। काले धन और भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए नोटबंदी और बेनामी संपत्ति कानून लागू करने जैसे कड़े फैसले भी इस चौकीदार ने किए हैं। बाड़मेर की रिफाइनरी को कांग्रेस ने लटकाकर उलझा कर रखा था। इस क्षेत्र का भाग्य बदलने वाली इस रिफाइनरी के लिए भी इस चौकीदार की सरकार ने काम शुरू करवाया। सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को 10% आरक्षण की मांग दशकों से चल रही थी। समाज को बांटने में लगी कांग्रेस ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी का हक छीने ये चौकीदार की सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी लागू कर दिया। भाई और बहनों, मां भारती में आस्था रखने वाली संतानों के लिए नागरिकता संशोधन कानून पास करवाने का प्रयास भी इस चौकीदार ने किया है। भारत माता की वो संतानें जो भारत विभाजन के समय, बंटवारे के समय, उस समय के लोगों के, नेताओं के भरोसे पर उन्होंने वहां रहना पसंद किया, पाकिस्तान में रहना पसंद किया, लेकिन उनकी आस्था अलग थी, उनका पूजा विधि अलग थी, उनके नाम अलग थे, इसलिए उन पर वहां जुल्म होने लगे। वहां जो माइनॉरिटी में थे उनका जीना मुश्किल हो गया, उनके लिए हिंदुस्तान के सिवाय को जगह नहीं बची थी, वो भारत की शरण में आए, लेकिन त्रिशंकु के हाल में जीते रहे, न उधर के रहे न इधर के रहे। भाइयों बहनों, 3-3 पीढ़ी उनकी असहाय बन गई। उनका कोई गुनाह नहीं था, वो अपनी आस्था बदलने को तैयार नहीं थे, वो अपना धर्म बदलने को तैयार नहीं थे, इसलिए उनको यातनाएं झेलनी पड़ी जब वो इस देश में आए।
तो हमारे वालों ने भी ठुकरा दिया, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उनको हक दिलाने के लिए हम संसद में कानून लाए हैं। भाइयों, 23 मई को सरकार बनने के बाद बरसों से लटके इस काम को पूरा करने की फिर कोशिश की जाएगी।